को चुभ रही है क्या? ये सवाल हम नहीं बल्कि पूरा देश पूछ रहा है, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है। दरअसल पेरिस ओलंपिक 2024 में कल भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था, और भारतीय हॉकी टीम की बात करें तो हॉकी इवेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दोनों ही टीम भारत और ग्रेट ब्रिटेन का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ हो गया, और इसके बाद जीत का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। और अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। लेकिन एक दुखद खबर यह है कि उस सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का एक स्टार खिलाड़ी डिफेंडर अमित रोहिदास नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन पर एक मैच का बैन लगा दिया गया है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो के जरिए। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट में, मैं आपके साथ कुणाल। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ने इस ओलंपिक अपना जौहर मनवाया है और दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं, और अपने विंटेज रूप में खेल का प्रदर्शन दिखा रही है जो आज से लगभग 50-60 साल पहले हुआ करता था। खैर, इसी बीच भारतीय हॉकी टीम और फैंस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से होना है, और जर्मनी सेमीफाइनल में 16 खिलाड़ियों के साथ खेलेगा जबकि भारत सिर्फ 15 खिलाड़ियों के साथ खेलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय स्टार डिफेंडर अमित रोहिदास पर एक मैच का बैन लगा दिया गया है, और ये फैसला हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन यानी FIH ने लिया है। दरअसल FIH ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि भारत के खिलाड़ी अमित रोहिदास जर्सी नंबर 30 को 4 अगस्त 2024 को भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुए मैच के दौरान हॉकी के नियमों का उल्लंघन करने के कारण एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, और इसी वजह से अमित रोहिदास 6 अगस्त 2024 को होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे, और इसी के साथ भारत की टीम इस मैच में केवल 15 खिलाड़ियों के साथ ही खेलेगी। अब बैन लगा क्यों, तो आपको बता दें कि क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मैच के दौरान अमित रोहिदास के स्टिक विरोधी खिलाड़ी के सिर पर टकरा गई थी, और रेफरी ने इस पर चर्चा की और फिर अमित को रेड कार्ड दिखाया। रेड कार्ड मिलने का मतलब है एक मैच का बैन। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बवाल देखने को मिल रहा है। FIH के इस फैसले से सभी भारतीय नाखुश हैं, और कमेंटेटर सुनील तनेजा ने इस पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत बुरा फैसला, पहले तो इसे रेड कार्ड नहीं मिलना चाहिए था। HI यानी हॉकी इंडिया ने अपील दायर की है, और हम सभी उम्मीद करते हैं कि अमित अगला मैच खेलेंगे। तो ये थी पूरी कहानी। तो आप सभी का इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।